गुड मॉर्निंग गाइस। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आप लोग सोच रहे होंगे सुबह सुबह कहाँ जा रही है, तो मैं सुबह के यहाँ पे आ गई हूँ, पहुँच गई हूँ। या गंगा जी या जमुना जी, सॉरी मैं भूल जाती हूँ, तो माफ़ करिएगा। तो यहाँ पे मैं पहुँच गई थी छठ वाले दिन पूजा करने, छठ का जो लास्ट डे था। लेकिन यहाँ पे मैं 8 बजे पहुँची थी, तब तक यहाँ से सारे लोग जा चुके थे। 8 नहीं 8:30 बज रहा था, मतलब मैं जब रास्ते में थी ना तो सभी लोग यहाँ से जा रहे थे। तो मैं रात में प्लान बना के सोई थी कि हाँ 4-5 बजे भोर में उठ जाऊंगी तो चली जाऊंगी जल्दी से, और अनाया को यहाँ से रेडी वेडी करके जाऊंगी, वहाँ पे पूजा पाठ करूंगी और देखूंगी। उसके बाद अनाया का टाइम हो जाएगा, फिर वहाँ से छोड़ते हुए चली जाऊंगी। लेकिन कुछ भी ऐसा नहीं हुआ। नींद खुली थी लेकिन मुझे याद ही नहीं था कि वहाँ भी जाना है। तो 6 बजे आए, मेरी बहन फ़ोन की और बोली कि आप नहीं गई क्या? तो मैंने कहा कहाँ गई हो, जब देखे वहाँ का लोकेशन हो मुझे लगा। मैं बोली मुझे भी जाना था। तो फिर मैं फ़ोन रखी और जल्दी जल्दी रेडी हुई, अनाया को मैंने रेडी किया। तब तक तो 7 बज गए थे, वहाँ पे जाते जाते 8 बज गए। स्कूल छोड़ के आई, फिर यहाँ पे 8-8 बज गए थे। यहाँ पहुँचते पहुँचते 8:30 बज गए, तब तक सारे लोग जा चुके थे। तो मैंने कहा चलो मेरे नसीब में इस बार था ही नहीं देखना, तो कोई नहीं अगले बार देखेंगे। तो ये देखिए काफ़ी लोग की भीड़ है यहाँ पे, बाहरी लोग भी आते हैं नहाने वाने। तो चलिए यहाँ से देखते हैं अब कहाँ जाते हैं। तो गंगा जी से आने के बाद मैं गई थी कैडबरी एजेंसी, वहाँ पे अनाया के पापा को कुछ काम था। तो काम होने के बाद मैं यहाँ पे फ्रूट्स वगैरह ले लेती हूँ घर के लिए, तो फिर चलते हैं घर, मिलते हैं। तो घर आने के बाद एलोवेरा प्लांट्स में कुछ फ्लावर निकले हुए थे, तो मैंने अचानक से देखा ना तो बहुत खुशी होती है ये देख के, ये साल में केवल एक बार निकलते हैं। तो मैंने कहा चलो आपको दिखाते हैं। तो ये कुछ इस तरह के दिखते हैं और बहुत सुंदर लगते हैं। तो ये फ्लावर सूख जाने के बाद इसमें सीड्स निकलते हैं, और अगर अलग से प्लांट बैठाना हो तो इसका सीड्स आप डाल सकते हैं, 3-4-5 महीने में प्लांट्स निकल जाते हैं। तो अब मैं रात में मिल रही हूँ, रात का यहाँ पे खाने में मैं बनाई थी आलू गोभी की सब्जी, पराठा, चटनी, और खाने के साथ मैं ये खीरा ज़रूर खाती हूँ। तो रोटी सब्जी के साथ, पराठा सब्जी के साथ मुझे बहुत पसंद है। दाल चावल के साथ मुझे खीरा नहीं पसंद है, केवल ये मसालेदार सब्जी के साथ और रोटी, यही बस। तो चलिए खाते पीते हैं, फिर मिलते हैं सुबह। तो अब मैं मिल रही हूँ आखा नवमी के एक दिन बाद, मतलब 10वीं के दिन, कहाँ जाने, चलिए देखो। तो हम लोग आ गए हैं मंदिर, राधा कृष्ण मंदिर। क्या करने आई हैं? आंवला के नीचे पूजा करने और खाएंगे। हाँ हम लोग खाएंगे यहाँ पे। आज कौन सा दिन है? आज बुधवार है। आज बुधवार है, 10वीं? आज 10वीं है। कल मंगल पड़ गया इसलिए हम लोग पूजा किए नहीं, तो उसके संति आज कर रहे हैं। देखिए मंदिर बंद है क्योंकि हम लोग बहुत लेट गए हैं, 12 बज गया। यहाँ वो है कि नहीं? ये है यार कछुआ, दो है, दिख रहा है, दिखा रहे हैं। बहुत गंदगी है, एक ये है, एक वहाँ है, दो है। चलो मंदिर बंद है फिर भी चलो कर लेते हैं दर्शन करते हैं। माला फूल लाई है तो इस बार सफाई इधर पूरा पूजा करके वैसे भी गए हैं ना, वही तो अच्छा भी नहीं लगेगा। हाँ सही है। Thank you.
अब हम लोग जाएंगे कुछ खाने, वहाँ खाएंगे, कहाँ खाएंगे, जैसे वहीं बिछाएंगे कि हाँ यहाँ सही जगह है। हाँ अरे चल है, चलो ये बिछाते हैं। पूजा वगैरह हो गया है और हम लोग बैठ गए पेपर ऊपर बिछा के खाने। तो कुछ खाने के पहले यहाँ पे दान देना होता है पंडित जी को, तो जो भी होता है वो देना होता है। तो बस काफ़ी देर तक हम लोग को रहना नहीं था, नहीं तो अच्छे से व्यवस्था करके हम लोग आते, मतलब जो भी है दरी पन्नी वगैरह। तो कुछ बस जल्दी जल्दी वाला काम था कि हाँ खाओ पियो और चल दो, तो इसलिए हम लोग पेपर ऊपर ले कर आके बैठ गए ताकि वहीं पर खाओ और छोड़ के चले हो। तो यहाँ पे हम लोग आ गए हैं, बैठ गए हैं मतलब खाने पीने। तो काफ़ी चीज़ें थी, पराठा था, सब्जी था और लाई वाई था और भी स्नैक्स वगैरह थे और फरा भी बना हुआ था तो वो भी था। तो काफ़ी चीज़ें थी, थोड़ा थोड़ा करके ज़्यादा हो गया तो और मतलब ऐसे ही ना बाहर बैठ के खाने का मज़ा ही कुछ और होता है। तो चलो खाते पीते हैं फिर देखते हैं। आओ सुनाओ। आखन में कल आता आखन के धर्म सारस नहीं है आखन। हो गया। तुम लोग बिरादे के बाहर होते हो। हुआ ही नहीं होगा। नहीं हुआ, कैंसिल हो गया। रेलुआ बटा था। हाँ रेलुआ बटा था। पैसा नहीं ले रहे का। इसको रख दीजिए। आप कुछ दे चल सुनाओ। तुम प्लेट नहीं ली। अरे हो गया, इधर रख लो ना मिट्टी से। सब्जी बढ़िया बन गई है बिना लहसुन मिर्चा प्याज के। बहुत धूप लग रहा है ना, जैसे ताजे पर ताजे पर लगे। ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे धूप लग रहा है लेकिन शरीर में लग रहा है। एंजॉय करने हरा आटा मिलाया है ना। सॉफ्ट है पूरा।
इसलिए अपने सूजी नहीं बनाया। ब्राह्मण थे, सही डाल दिए। तो उस ब्राह्मण की संतान नहीं हो रही थी, तो वो पूजा पाठ करती आंवला महाराज की, रोज जल चढ़ाती, तो उनकी कृपा से एक बेटी हुई। ज्यादा मत दो। तो अनाया आ गई स्कूल से डायरेक्ट मंदिर ही। तो पेड़ के नीचे खाना वाना खाने के बाद कहानी भी सुने थे, कहानी सुनना जरूरी होता है। तो कहानी वानी सुन के तब तक बैठे ही थे, तब तक अनाया आ गई स्कूल से, उसके पापा लाके छोड़ दिए घर, मतलब घर पे नहीं छोड़े वो, लाके यहीं पे छोड़ दिए मंदिर में ही, क्योंकि घर के पास में ही मंदिर है। तो बैग वगैरह सब कुछ ले आके दे दिए, मैंने कहा बैग लेके जाओ और अनाया को छोड़ो। फिर अनाया स्नैक्स लाती है रास्ते में से, तो मैंने कहा चलो यही तुम खा लो, तो वो खाती है और यहाँ पे ले आए कछो दिखाने। तो चलिए अब चलते हैं। कहाँ गुम, बंद है दरवाजा, एक बज रहा है, पहले घूम तो, डेढ़ बज रहा है, डेढ़ बज रहा है। मम्मा ए मम्मा उतार, नहीं अभी, ना कहाँ जाना है, शांति लग रहा है ना। अरे बहुत बढ़िया लगता है, हम लोग सुबह सुबह कभी आते थे जब पहले दर्शन करने टहलने जाते थे, यही साथ एकदम मस्त चिड़िया अलग। और देखो बेल कितना ज्यादा, ढेर सारा। देखो यहाँ पे समर सेबुल लगा है, नहीं आएंगे तो यही रहो, फिर तुम भी जा रहे हैं, जाओ बाय बाय। फिर जा रहा हूँ, बाय बाय। क्या मीठी नीम हाँ, इतना बड़ा थोड़ी ना होता है मीठी नीम, ये वाला मीठी नीम इतना बड़ा नहीं होता है।